गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, ये वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज अब आ रहे हैं फेस्टिवल एंड मैंने उसी के पर्पज से ही ये कुर्ता सेट ऑर्डर करे है। सारे ही मीशो से ऑर्डर करे थे बहुत अफोर्डेबल रेट में। और ये ना मेरा भाई का दिवाली गिफ्ट था, उसने मतलब रक्षाबंधन और दिवाली का गिफ्ट मुझे साथ ही दे दिया था। उसने बोला था एक प्रॉपर हॉल सेट बनाना अपना, और उसके पैसे उसने ऑलरेडी दे दिए थे मेरे को रक्षाबंधन में। एंड मैंने उसी के पर्पस के लिए इतने सारे कुर्ता सेट ऑर्डर करे हैं। ये सारे कुर्ता सेट ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इन्हें फेस्टिवल में आप मतलब नॉर्मली भी पहन सकते हो, ऑफिस में पहन सकते हो, घर में पहन सकते हो। मतलब ये प्रॉपर एक कंफर्टेबल कुर्ता सेट्स है सारे ही। तो मैंने ना सबको फेस्टिवल के पर्पस से ही ऑर्डर करा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, और इनके सारे ही कोड्स ना मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और आप मुझे ये बताना कि मेरा कुर्ता और ये इयररिंग्स कैसे लग रहा है। ये रिसेंटली मैंने ये ऋषिकेश से लिए थे, और ये कुर्ता सेट अगेन मीशो से ही है। तो मैं इसका भी कोड डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये हॉल। तो गाइड स्टार्ट करते हैं अपना ये हॉल। तो मैं ये दिखाती हूँ कि फर्स्ट मैंने क्या ऑर्डर करा था। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा पर्पलिश कलर में ये कुर्ती सेट थी, जो कि बहुत अफोर्डेबल भी थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। तो फर्स्ट इसका जो नेक पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम हो रखा है। एंड इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी है, 3/4 स्लीव्स है, जो कि बहुत अगेन प्रिटी है। कलर देख सकते हैं आप, अगेन बहुत शाइन कर रहा है ये। और ना आप इसको विंटर्स में भी पहन सकते हैं, एंड मतलब इसका फैब्रिक इज लाइक रियॉन स्लब करके है, जो कि बहुत ज्यादा सही भी है। आपको विंटर्स में पहनना है, समर्स में पहनना है, दोनों में आप पहन सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें नीचे ना ये ऐसे डिजाइन आ रखे हैं, मतलब इन्होंने ऐसे बीड्स लगा रखे हैं इसमें, जो कि प्रॉपर नीचे ऐसा प्लेन है। तो बहुत शाइनी मटेरियल है, मुझे अगेन अच्छा लगा है। मैंने ना इसे एम साइज में ऑर्डर करा था, बट उन्होंने मुझे एल साइज में दे दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी मदर को दे दूँ, बिकॉज उनके पास मतलब उनको ये ज़्यादा अच्छा लगा है और उन पर भी अच्छा भी लग रहा था। बट अगेन ये पार्टी पर्पस के लिए बहुत सही लगता है। तो इसका ये कुछ ऐसा अपर है। बॉटम की बात करूँ ना, बॉटम इन्होंने पैंट में दे रखी है, पैंट कुछ ऐसा है, इलास्टिकेटेड है ये, देखो, देख सकते हैं आप। और अच्छी खासा स्टिचिंग हो रखी है, इसकी स्टिचिंग भी बहुत सही है, और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे वर्थ लगी है। मतलब इसका प्राइस 500 समथिंग का था। इसके कोड में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लेना। और देख सकते हैं इसकी चुन्नी, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, देखो ना कितना शाइन मट कर रहा है इसका दुपट्टा। और ये जो इसके ना ये एंड्स में देख सकते हैं, इसमें ट्रायंगुलर शेप में रिबन लगी हुई है, जो कि इसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। सो फर्स्ट ये वाला कुर्ता सेट है। व्हाइट में ये कुर्ता सेट है, तो मैं दिखा देती हूँ। आजकल चिकनकारी वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, चिकनकारी में कुर्ता सेट है। तो इसमें ना दुपट्टा नहीं आया है, एंड इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, देखो ऐसी इसकी स्लीव्स दे रखी है, एंड यहाँ पे पूरा ऐसे चिकनकारी वर्क हो रखा है। और ये देख सकते हैं शिमर कितना है, मतलब ये ना बहुत शाइन कर रहा था ये कपड़ा। थोड़ा सा ना ट्रांजी है आपको इसने इसके अंदर कुछ पहनना पड़ेगा, बिकॉज ये ना थोड़ा सा विजिबल है, देख सकते हैं कैमरे में शो हो रहा है। तो अगेन मैं इसको रिकमेंड करूंगी आपको, मुझ पर ही बहुत ब्यूटी मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। और ये ना इसका कपड़े की बात करूँ तो ये रियॉन फैब्रिक में है, कॉटन नहीं है। तो अगेन इसके साथ ये बॉटम आ रखी है, तो बॉटम भी ऐसी टाइप में है, नीचे ना इसका ऐसे डिजाइन बना हुआ है। और ओवरऑल ना मुझे इसका पैटर्न और लुक बहुत प्यारा लग रहा था। आप व्हाइट में ना ट्राई कर सकते हो, व्हाइट एज अ सोवर कलर है ना, जो हर जगह अच्छा लगता है। जैसे रिसेंटली मैंने ऋषिकेश में पहना था, तो वहां पे ये मतलब प्रॉपर जा रहा था, ऋषिकेश पर्पस का ही लग रहा था ये। तो आप ऐसे एथनिक ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन इसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थी, 500 समथिंग की है। सबकी प्राइसिंग और जो भी कोड्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। इस कुर्ती के भी अगर आपको कोड चाहिए होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी अगेन। तो देख सकते हैं नीचे ना इसका ये दोनों में ही, मतलब बॉटम वाले में एंड अपर में, दोनों में ही ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो रही है।
करते हैं नेक्स्ट कुर्ते सेट की। तो नेक्स्ट ना मैंने ना इसे अगेन चिकनकारी ही है ये, मतलब इम्प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी नहीं बोल सकती, बट हाँ एम्ब्रॉयडरी इसे मतलब नेक लाइन में इसकी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो दिस इज द कुर्ता, एंड मैंने ना इसको सोचा था कि ये कुर्ता सेट दोनों ही होंगे, मतलब ऊपर अपर एंड बॉटम दोनों देंगे ये। और मैंने ना जल्दी जल्दी में ऑर्डर करा था, तो मुझे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आने से पढ़ा नहीं और मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। बट मुझे ना इतना खास ही लगा नहीं, 400 समथिंग का इसका प्राइसिंग है एंड उसके अकॉर्डिंग इसे इन्होंने कुर्ती दे रखी है, सो जो कि इस टाइप में है। और यहाँ पे ना ऐसे मैं नेकलाइन दिखा देती हूँ, नेकलाइन बहुत ब्यूटीफुल है एंड यहाँ पे ऐसे व्हाइट कलर की हो रही है, ग्रीन इसका ऐसा लुक है और 3/4 स्लीव्स हैं, बैक कुछ ऐसी है, फ्लोरल काइंड ऑफ इसका डिजाइन दे रखा है और लेंथ अच्छी खासी है, लेंथ देख सकते हैं आप, अच्छी खासी लेंथ है। सो ये कॉटन नहीं है। इसका फैब्रिक की बात करूँ तो ये रियॉन मटेरियल में है, फैब्रिक इसका रियॉन है। तो अगेन मुझे अगर लगा था 400 के अकॉर्डिंग ये मुझे वर्थ नहीं लगा है, तो मैं देखती हूँ कि इसे रखूँ कि रिटर्न करूँ। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका मतलब ये लुक वाइज कैसा लग रहा है। बट ये ना आप इसके साथ पहन सकते हैं, मतलब इसका बॉटम के साथ ही चल रहा था, मैंने इसे ट्राई करा था तो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, कॉम्बिनेशन का मैच कर रहा था। तो मैं इसके साथ भी आपको दिखा दूंगी एक बार, आप बताना मुझे कि इसे रखना चाहिए कि इसे रिटर्न कर दूं। सो या दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड ये स्ट्रेट लाइन कुर्ती है जो कि नॉर्मल डेज में भी आप पहनोगे ऑफिस में तो भी अच्छा लगेगा। अपने नेक्स्ट कुर्ती सेट में, तो ना मैं बहुत टाइम से मीशो में ये जो बांधनी कुर्ती सेट है ये ना मैं बहुत टाइम से मैंने विश लिस्ट कर रखी थी, तो मैंने सोचा ये ओकेजन भी है एंड फेस्टिवल आने ही वाले हैं तो ये तो मस्ट है। तो इसका ना कुछ ऐसा बांधली लुक है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा है इसका कलर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन थे, लाइक रेड था, ग्रीन था एंड पिंक में था, तो मुझे पिंक ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने पिंक ऑर्डर कर लिया। इसके जो ये एम्ब्रॉयडरी मतलब इसमें कुछ ऐसी नेकलाइन है, मैं दिखा देती हूँ, नेकलाइन कुछ ऐसी है, रिबन लगा रखी है इन्होंने एंड इसका जो लुक है वो काइंड ऑफ बांधनी जो साड़ी होती है ना उसी से सिमिलर है। और इसका जो फैब्रिक है, फैब्रिक इज लाइक अ जॉर्जेट, तो थोड़ा सा गर्म करेगा बट विंटर्स में आप इजीली इसे पहन सकते हैं। और इसमें जो आपको थोड़ा डिजाइन दिख रहा है ना वो यहीं की साइड है, अपर साइड में, और ये ना कुछ ऐसी इसका स्लिट भी बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे से इसका स्लिट दे रखा है जो कि अगेन मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा है। जॉर्जेट फैब्रिक मैं नॉर्मली कपड़े लेती नहीं हूँ बट ये बहुत ब्यूटीफुल था इसीलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। इसका बॉटम कुछ ना ऐसा है बट मुझे इसकी स्टिचिंग कुछ खास लगी नहीं है, सीरियसली ये कुछ ऐसा चूड़ीदार लग रहा है, ठीक है, बट ओवरऑल मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं इसका बॉटम। और 800 समथिंग की इसकी प्राइसिंग थी, तो आप मुझे बताना कि वर्थ है कि नहीं। इसका दुपट्टा अगेन बहुत ज़्यादा ही सिल्की है, तो इसमें इसका ऐसा दुपट्टा दे रखा है, अगेन सेम सब चीज़ सिमिलर है, बस इसका ना जो पैंट है वो पूरा प्रॉपर प्लेन में दे रखी है और इनकी चुन्नी, इसका दुपट्टा मतलब दुपट्टा और इसका जो कुर्ती है वो थोड़ा सा बांधनी लुक देते हैं इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रिंट दे रखे हैं। और इसकी अगेन इसकी दुपट्टे में ना ऐसा वर्क दे रखा है इन्होंने प्रॉपर, ये सिल्वर कोटिंग हो रखी है, सिल्वर ये जो रिबन लग रखे है ना ये प्रॉपर पूरे साइड में है जो कि अगेन इसे बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसे पूरा कैरी करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। पिंक ऑप्शन में था और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, तो 800 में मुझे ये तीनों मिल गए थे। सो आप मुझे बताना कि आपको इनमें से कौन सा कुर्ता सेट ज़्यादा अच्छा लगा है। तो बात करते हैं अपने लास्ट कुर्ती सेट की। तो मैंने हर चीज पैटर्न इस बार सिलेक्ट कर ली थी और कलर ऑप्शन भी डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट करे, लाइक पिंक पर्पल एंड ग्रीन व्हाइट सारे ही कर लिए थे। तो इस बार मैंने ये सोचा कि मैं इसे डिफरेंट कलर में परचेज करूँ, तो बेसिकली ये मैंने शरारा पिक करा था। शरारा ना अब ट्रेंड नहीं रहा है शरारे का, पहले बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड आया था, तो बट मेरे को ये प्रिटी लगा था तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं ये शरारे में।
तो ये अगेन इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक में है। मैंने मोस्टली जितने भी साइजेस परचेज करे हैं कुर्तियों के वो एस साइज में ही फिट मुझे आ गए थे, तो मैंने सारे एस में ही करे हैं परचेज। तो ये भी अगेन एस साइज में ही है। तो इसका अपर की बात करूं, ये कुछ ऐसे स्ट्रिप्स में है एंड इसकी लेंथ भी अच्छी खासी दे रखी है। अगेन आपको फ्रंट कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें ना आपको ये प्रॉपर ये बीट्स लगा रखे हैं, बैक साइड पूरी प्लेन है और अच्छी सी। मुझे ना इसका जो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बहुत सही था, मतलब ये 700 समथिंग का था और शरारा अगेन डबल लेयरिंग हो रही है, तो फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड अंदर से ही अच्छी से लेयरिंग हो रही है एंड स्टिचिंग भी बहुत प्यारी हो रही है दोनों की ही, मतलब दोनों बॉटम एंड अपर दोनों की स्टिचिंग सही है। तो मुझे अगेन इन स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगेन स्किन है जो दुपट्टे हैं वो दुपट्टे सबके ही ऐसे ट्रायंगल रिबन्स लग रखे हैं सभी में, जितने भी ऑलमोस्ट मैंने जितने भी कुर्ते सेट लिए हैं सबकी ही दुपट्टे में ऐसा कुछ लुक दे रखा है। बट हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, अगर आप ना इन सबको कैरी करोगे ना तो ये बहुत प्रिटी लगने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप फेस्टिवल्स के लिए शॉपिंग करते हैं ना तो आपको ब्राइट कलर में ही जाना चाहिए, बिकॉज ब्राइट कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड राइट मतलब बेसिकली नाइट का फंक्शन होता है तो नाइट में ऐसे कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ सारे हॉल में ये सारे कुर्ते सेट लिए थे मैंने। मेरे भाई ने इन सब के पेमेंट पहले से कर दी थी कि उसने बोला था कि ये सारी चीजें तुझे परचेज करके हॉल बनानी है, एक मीशो हॉल, तो उसके उसी के बदौलत लिया है मैंने। तो थैंक्स फॉर हिम कि उसने इतने प्यारे प्यारे कुर्ते सेट परचेज करवाए मेरे से एंड ये प्रॉपर एक हॉल बनाया। तो या ये था प्रॉपर मेरा ये हॉल, मीशो हॉल। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी इस हॉल के लिए, बिकॉज मैं चाहती थी कि एक अच्छी सी वीडियो आपके साथ डिलीवर करूं। That's it for today's video. Hope you guys like it. If you like this video, then give this video a big thumbs up and subscribe to this channel for more. You can also follow me on my Instagram. So yeah, thank you so much for watching. Till then, bye-bye.